हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इन डिवाइसेस के बारे में कि कौन सी डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आपको अपने लैपटॉप में चलाना है इंटरनेट। अब इन्हें बोलते हैं हम 4G डोंगल्स, इन्हें बोलते हैं हम 4G हॉटस्पॉट। अब इनमें क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, अब हम पूरा बात करेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पे कुछ लोग हमें ये बोलते हैं कि आप इन डोंगल्स पे इतनी सारी वीडियो बना चुके हो तो और वीडियोस में क्यों बनाते हो, क्या फायदा है उसका। अब यहाँ पे मैंने अपने चैनल का स्टैट देखा और वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग ये सर्च मार रहे हैं कि कौन सा डोंगल बेस्ट रहेगा उनके लैपटॉप के लिए। अब यहाँ पे अभी तक हमारे चैनल पे इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं है, तो मुझे लगा अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी और यही हमारे चैनल का मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अब बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइसेज हैं। ये हमारे पास एक जियो हॉटस्पॉट है, एक हमारे पास एयरटेल हॉटस्पॉट है, एक वाई का हॉटस्पॉट है, एक हमारे पास कोकोनट का डोंगल है और एक हमारे पास टैकी का डोंगल है। अब इन सारे डोंगल्स को हमने टेस्ट किया है, अच्छे से यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आपके लिए कौन सा यहाँ पे बेस्ट रहेगा अगर आप अपने लैपटॉप के लिए इसे यूज़ करना चाहते हो। तो सबसे पहले इन बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है कि ये दिखने में थोड़े बड़े हैं और ये दिखने में थोड़े लंबे लंबे से हैं, तो यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि इनमें आपको बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे जो ऐसी डिवाइसेज हैं 4G हॉटस्पॉट हैं, इनमें आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो मतलब यहाँ पे अगर आपको रिमोट लोकेशन पे हो और आपके पास कोई पावर सप्लाई नहीं है, फिर भी ये आपको आपका इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। और यहाँ पे आपको इन दोनों में एक और मेजर डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इन दोनों में प्राइस डिफरेंस होता है। जो आपको ऐसे डिवाइसेज हैं 4G डोंगल्स हैं, ये आपको 2000 के अराउंड देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे जो ये कोकोनट का डोंगल है ये तो आपको 1800 का देखने को मिल जाएगा अमेजोन पे। और जो ये आपको डोंगल्स देखने को मिलेंगे, आपको जियो का तो फिलहाल कहीं देखने को नहीं मिल रहा है ऑनलाइन। जो एयरटेल है, एयरटेल आपको 2500 के आसपास देखने को मिल जाएगा और हुआवे का रेट आजकल 4000 के आसपास चल रहा है। तो ये हॉटस्पॉट आपको थोड़े कॉस्टली देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप लैपटॉप के लिए यूज़ करना चाहते हो पर्टिकुलरली, तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो गाइस, इन दोनों में डलते हैं सिम। इसमें भी ये भी आपका कोई भी सिम डालोगे चल पड़ेगा, इसमें भी आप कोई सा भी सिम डालोगे चल पड़ेगा, तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों आपका वाईफाई जोन बना देंगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये आपको लैपटॉप पे आपको USB में लगा कर रखना पड़ेगा आपके लैपटॉप के साथ, तो आपका वहाँ पर लैपटॉप में ये काम करेगा। अगर आप उसमें लैपटॉप में डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते तो आप इसे अपने चार्जर में लगा सकते हो, तो भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। और सेम विद इसकी वर्किंग भी है। इसमें आप इसे चार्ज कर दोगे एक बार और इसे आप कहीं भी रख दोगे अपने लैपटॉप के आसपास, तो ये वाईफाई जोन बना देगा, उससे आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है जिसमें आपका वाईफाई नहीं है, तो आपको इसको डाटा केबल के थ्रू अपने लैपटॉप में लगाना पड़ेगा, तब आप इसमें इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। इसमें क्या है, आप डायरेक्ट लगाओगे अपने लैपटॉप में और आपका नेट उसमें चल पड़ेगा। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। अगर आप दोनों में से कोई भी लोगे और आप सोचोगे इसमें मुझे कम स्पीड मिलेगी कि ये सस्ता है, उसमें मुझे ज़्यादा स्पीड मिलेगी ये महंगा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 19-20 का फर्क देखने को मिल जाएगा और स्पीड आपकी नेटवर्क टू नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। सो गाइज, यहाँ पे इतना सा ही मेरा कंक्लूजन रहेगा। अगर आपका बजट कोई टेंशन नहीं है, आपको बजट की आप अगर स्पेंड कर सकते हो एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे ये वाला डिवाइस लेना जिसे बोलते हैं 4G हॉटस्पॉट, क्योंकि ये पोर्टेबल रहता है। आप अगर घर से बाहर भी जाते हो, अगर आप मोबाइल के साथ इसे यूज़ करना चाहते हो और घर से बाहर हो आप, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो आराम से। अगर आपके पास ये वाला लोगे तो आप इसे अगर लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहे हो, घर में बैठ के यूज़ कर रहे हो, तब तो ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे, तो ये इसमें एक लिमिटेशन है। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक लोगों को एक कन्फ्यूजन ये भी होती है कि इन डिवाइसेस में आपको अलग से कोई रिचार्ज कराना पड़ता है या इसके साथ कोई अनलिमिटेड आपको इंटरनेट देखने को मिलता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर ये डिवाइस लोगे तो आपको इनके साथ एक आप जो अपने मोबाइल में सिम यूज़ करते हो वो लेना पड़ेगा। नॉर्मल सिम होगा, उसमें आप कोई भी अपना इंटरनेट का रिचार्ज कराओगे, चाहे आपको प्रीपेड हो वो पोस्ट पेड हो, आप कोई सा भी इंटरनेट का रिचार्ज करा सकते हो, बस आपके सिम में इंटरनेट होना चाहिए। वो सिम आप इनमें डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली उनमें इंटरनेट स्टार्ट कर देंगे और वाईफाई के थ्रू आपको उसमें इंटरनेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर कोई सा भी डिवाइस बाय करना हो, आपको या 4G डोंगल बाय करना हो या 4G हॉटस्पॉट बाय करना हो, तो हमने अपने फेवरेट शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं और आपको उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, अगर आप पसंद आए तो उन्हें बाय भी कर सकते हो और वहाँ पे वो सारे लिंक एफिलिएट लिंक होंगे, अगर आप उनसे बाय करोगे तो चैनल को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे आपको अगर इन सब का आपको रिव्यू चाहिए, इनका कंपैरिजन चाहिए, तो आपको चैनल पे सारा मिल जाएगा। इस समय आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही होगी, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको वैसी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमने पूरा इनके बारे में कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।